हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस कानूनी पहलू पर बात करेंगे कि क्या आचार संहिता लागू होने के बाद भी मोदी सरकार या फिर राज्य सरकार सहारा का भुगतान कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो यह कमेंट कर रहे हैं कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, या फिर यह कमेंट कर रहे हैं कि हमारा भुगतान क्या चुनाव से पूर्व हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर अभी भुगतान की क्या स्थिति है, क्या 2024 लोकसभा चुनाव जो कि जून महीने तक चलेंगे, मतलब 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं, तब तक होने वाले हैं, तो क्या उसके पहले हमारा भुगतान मोदी जी या फिर राज्य सरकार कर सकती है, या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट इन चुनावों के बीच में हमारा भुगतान करने का आदेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे, इन्हीं विषयों पर, क्या कानून बोलता है, क्या कानून की राय है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश में लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र आचार संहिता लग चुकी है, 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसे में 10-12 साल से जो सहारा पीड़ित था वो इंतज़ार कर रहा था कि लोकसभा चुनावों से पूर्व मोदी जी उसका भुगतान देंगे। 29 मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5,000 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, तो सहारा के पीड़ित निवेशकों को एक उम्मीद जगी थी कि अगले 9 महीने में हमारा कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का तो भुगतान सुनिश्चित हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का स्पष्ट आदेश जारी किया था। अब खेल यहीं से शुरू हुआ। जैसे ही 5,000 करोड़ रुपए सेबी से निकलकर सरकार के खाते में आते हैं, अमित शाह अपना कुटिल खेल शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं अपने आदेश में कहा था कि पोर्टल बनाकर भुगतान किया जाए। अमित शाह के दिमाग की उपज थी कि उन्होंने पोर्टल बनाया। चलिए ठीक है, पोर्टल बनाया, भुगतान करना चाहा पोर्टल के द्वारा, लेकिन फिर क्या हुआ, 99% क्लेम को रिजेक्ट किया गया। और जब भी इस मुद्दे पर या तो संसद में या फिर किसी दूसरे जगह या कोर्ट में जब सरकार ने पूछा कि आप सहारा पीड़ितों का भुगतान को लेकर क्या करने जा रहे हैं, तो सरकार ने हर जगह यही कहा कि हम सहारा पीड़ितों का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पोर्टल के माध्यम से कर रहे हैं और इस भुगतान में कहीं किसी की कोई परेशानी नहीं है, सबको भुगतान किया जा रहा है। बात करें संसद की, बात करें कोर्ट की, हर जगह मोदी सरकार ने यही झूठा जवाब दिया, क्योंकि खुद पोर्टल पर यह दिख चुका है कि 99% लोगों के क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा। तो यह थी मोदी सरकार की मंशा कि किस प्रकार से कोर्ट को भी झांसे में लिया जाए, आम जनता के साथ भी धोखाधड़ी किया जाए। जो भुगतान पाँच, चलिए ठीक है, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 9 महीने में 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान सहारा पीड़ितों को कर दिया जाए, लेकिन आज जब 11 महीने भी बीत गए हैं, 11 के अब 12 महीना होने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मात्र 300 करोड़ रुपए का भुगतान करना कहीं ना कहीं अमित शाह की गलत मंशा को साफ रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाता है। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर। अब चूंकि देश में लोकसभा चुनावों के लिए आचार संहिता चुनाव आयोग ने लगा दी है, ऐसे में बहुत सारे हमारे दर्शक यह कह रहे हैं कि हमारा भुगतान क्या चुनावों से पूर्व हो जाएगा, अगर भुगतान नहीं होगा तो हम मतदान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर देश में चुनावी आचार संहिता लग जाती है तो बिना चुनाव आयोग के परमिशन के ना तो केंद्र सरकार और ना ही
राज्य सरकार एक रुपए भी किसी को दे सकती है, ना कोई नई स्कीम लॉन्च कर सकती है, ना किसी का कोई पेमेंट कर सकती है। तो इस स्थिति में 4 जून तक, जब तक नई सरकार नहीं बनती है, तब तक सहारा का भुगतान सरकार के स्तर से संभव नहीं है, किसी कीमत पर संभव नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है तो समझिए वो आपको बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठा है वो। क्योंकि आपको भी पता है जब देश में चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो सरकार के जितने खाते हैं उन पर चुनाव आयोग का कंट्रोल हो जाता है। बिना चुनाव आयोग के आदेश के एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाह कर भी भुगतान नहीं कर सकती है। तो अब आपको निर्णय लेना है कि पिछले 10 साल से जिसकी सत्ता देश में थी उसने 10 साल में भुगतान नहीं किया है तो क्या आने वाले दिनों में वो भुगतान करेगा। निर्णय आपको लेना है, आपको अपने दिमाग से सोचना है। अब हम लोग आते हैं, जो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, या फिर हम नोटा को वोट देंगे, तो ये ऐसी गलती आप मत कीजिए। मैं पहले भी वीडियो बना के कह चुका हूँ कि आप अपने मत को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ मोदी सरकार ने छल किया है तो आप दूसरी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन आप वोट ज़रूर दीजिए और नोटा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि नोटा का प्रयोग करने से भी आप अपने वोट को बर्बाद करते हैं। तो इस स्थिति में आप वोट देते समय अपने भुगतान को अपने दिमाग में रखें, अपने साथ हुए धोखाधड़ी, अपने साथ हुए छल को अपने साथ रखें। आप यह भी देखें कि किस प्रकार राजनाथ सिंह, स्वप्ना राय जो कि सहारा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे घर में जाके मिलते हैं, जबकि स्वप्ना राय लगभग 1000 से ज़्यादा केस में एब्सकॉन्डर हैं, फरार है, कोर्ट के द्वारा फरार घोषित की हुई अपराधी हैं। उस स्थिति में राजनाथ सिंह जो केंद्र के रक्षा मंत्री हैं, मोदी जी के आदेश से जाकर मिल रहे हैं और पुलिस बोल रही है कि स्वप्ना राय को हम नहीं खोज पा रहे हैं, तो साफ रूप से दिख रहा है कि केंद्र सरकार और सहारा मैनेजमेंट आपस में मिली हुई है। तो इस स्थिति में आप वोट देने से पहले एक बार यह जरूर विचार कर लें कि आने वाले दिनों में अगर आप गलत वोट देते हैं, गलत सरकार चुनते हैं, तो आपका पैसा फिर से 5 साल फंस जाएगा और फिर कोई नहीं दिला पाएगा। बात करें अगर कोर्ट की, तो कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई है। सहारा से संबंधित जितने मुकदमे थे, चाहे वो रिट पिटीशन हो, चाहे PIL हो या कंटेम्प्ट को केस हो, जितने भी केस फाइल हुए हैं सबको क्लब करके एक ही बेंच में डाल दिया गया है, जस्टिस संजीव खन्ना जी के बेंच में, जिसकी सुनवाई 16 अप्रैल को होने वाली है। तो ऐसे में एक उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद आम चुनाव के बीच जब सरकार पेमेंट नहीं कर सकती है तो कोर्ट हो सकता है कि आदेश जारी करे कि सहारा का भुगतान किया जाए। तो एक उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, बाकी आचार संहिता लगने के बाद सरकार कुछ नहीं कर सकती है, चुनावों तक कोई भुगतान सरकार के स्तर से नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यह जो जानकारी थी, चूँकि बहुत लोग गलत भ्रम पाले हुए थे, उन्हें अभी भी लग रहा था कि सरकार चुनाव में लाभ उठाने के लिए पेमेंट कर देगी, लेकिन यह कानूनन संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी।